बच्चों बड़ी खुशी की बात है, हम लोगों ने आज एक लंबा सफर तय किया और 12th फिजिक्स का सिलेबस आज हम लोगों ने पूरा किया। बच्चों मैंने कोशिश की है कुछ भी आपका छूटने ना पाए। जहां तक सिलेबस की बात है, मैंने सिलेबस से भी ज्यादा बताने की कोशिश की है ताकि आपका जो एम ऑफ लाइफ है या होना चाहिए वो सिर्फ बोर्ड एग्जाम नहीं, सिर्फ 12th बोर्ड एग्जाम नहीं, असल कामयाबी और असल आपका जो टारगेट होना चाहिए वो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पास करना, नीट या जेईई मेंस क्रैक करना, उसको क्वालिफाई करना। अगर आप सिलेबस देखें तो अलग नहीं है, नीट हो जेईई मेंस हो, जहां तक अब तो सिलेबस को और थोड़ा शॉर्ट ही कर दिया है, जितना मैंने पढ़ाया उससे भी कम कर दिया है। अगर आप उसको सही से पढ़ते हैं और न्यूमेरिकल पे ध्यान देते हैं तो फिर कोई काम मुश्किल नहीं होता। आप प्लस टू के साथ साथ आईटीजी मेंस और नीट क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है वो तो एग्जाम के बाद आप सो जाते हो तो क्या आप रिलैक्स होंगे, जबकि असल है ना मेन आपका जो टाइम होता है बनने का वो वही टाइम होता है। उस टाइम अगर आपने सोया कुछ लोग वो चाहते हैं कि हम आईएएस बनेंगे, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सोच होना चाहिए, यूपीएससी क्वालिफाई करें, यूपीएससी क्वालिफाई करें, जरूरी है ग्रेजुएशन की डिग्री। और ये जो बीटेक है एमटेक है, लोगों के मन में होता है कि हम इंजीनियर बन के क्या करेंगे, रोजगार नहीं मिलता। लेकिन बच्चों एक सिंपल ग्रेजुएशन करने से फार बेटर है कि आप किसी इंजीनियर के फील्ड में, ये तो ग्रेजुएशन की डिग्री हो जाएगी और प्लस एक आप बीटेक इंजीनियर हो जाएंगे। इन्हीं क्लासेस जो होते कॉलेजेस होते हैं ना उसका माहौल ही कुछ और होता है, कैंपस ही कुछ और होता है, या फिर नीट जेईई मेंस आप करते हो उसका जो वहां पे जाने के बाद खुद आपका मॉरल ही बढ़ जाता है, सोच बढ़ जाता है, वहां सब क्वालिफाइड ही लोग आते हैं, भीड़ से आप छट जाते हैं, जो अभी भी जिन्होंने अच्छे से किया है बीटेक पढ़ के सही से इंजीनियरिंग डिग्री लिया है तो उसके लिए जॉब ही जॉब है। तो ये कोई पढ़ाई खराब नहीं होता है, हम कहते हैं अगर ग्रेजुएशन ही करना है तो आप बीटेक करें, है ना। और नीट जेईई मेंस देखें तो और बहुत अच्छी बात है, देखिए नीट जेईई मेंस में भी बहुत सारे और भी यही सिर्फ एक एमबीबीएस ही है, आजकल बीयूएमएस है, बीएमएस है, सबको सरकार ने इक्विवेलेंट कर दिया है। अगर आप कम मार्क्स लाते हैं तो वहां पे आपका एडमिशन होगा, वो भी ग्रेजुएशन की डिग्री, वो उम्मीद करने के बाद भी आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। आज आप लिस्ट उठा के देखें जो भी आईएएस बनते हैं या यूपीएससी या बीपीएससी का रिजल्ट, उसमें जितने टॉपर्स होते हैं 1 to 10 आप देखें ज्यादातर वो इंजीनियर्स या डॉक्टर्स हुआ करते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप टेक्निकल फील्ड में जाएं, टेक्निकल फील्ड में जाएं, टारगेट तो लक्ष्य तो ऊपर रखना है ना, लेकिन हम लोग दोनों तरह का नॉलेज गेन करें, डिग्री लें, खूब पढ़ें, अंत तक पढ़ते रहें, पढ़ाई का कोई सीमा नहीं होता, उम्र नहीं होता है, लेकिन मन लगा के पढ़ें। बच्चों अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, 1 महीने बचे हैं, उसमें आप जो है जो मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है उसको लोग भूल जाते हैं, जैसे उर्दू है, इंग्लिश है ना, ये 2 पेपर जो है उनको भी अच्छे से पढ़ें। मैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं
इनका पिछले साल के भी बहुत सारे जो क्वेश्चन आए उनका मैंने सॉल्यूशन ऑफ देखिए मैंने डाला हुआ है एनएससी दिस क्लास बाय डॉक्टर हामिद वहां पे, और अब इस साल भी कितने इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होंगे इनको भी मैं आपको डेली ना डेली चैप्टर वाइज जो है अपलोड करता रहूंगा ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। और एग्जामिनेशन की बात हम कहना चाहेंगे कि एग्जाम में आप जो है ना कैसे जाएं, उसमें एक बात याद रखें कि एग्जामिनेशन सेंटर पे आप आधा घंटा पहले पहुंचे, लोग है ना दौड़ते हुए हाफते हुए जाते हैं, वैसा नहीं करें। आप एग्जाम सेंटर पे आधा घंटा पहले पहुंचे ताकि आप रिलैक्स हो सके, घबराए नहीं। कभी भी घबराहट से कोई काम अच्छा नहीं हुआ है, खराब ही हुआ है। धैर्य बनाए रखें और उस क्वेश्चन को पहले बनाएं जो आपको अच्छे से कमांड हो, क्योंकि आज ऑप्शन का जमाना हो गया ना, बच्चा फंस जाता है किसको बनाएं किसको नहीं बनाएं। मैं गारंटी देता हूं कि एक क्वेश्चन आपकी कॉपी से बाहर नहीं रहेगा, एक कॉपी चाहे वो शॉर्ट हो अगर आप सही से पूरी कॉपी पढ़ते हैं पूरा नोट्स पढ़ते हैं तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होंगे। तो बच्चों मैं ये कहता हूं वहां जो ऑप्शंस होंगे ना उस ऑप्शन पर उसको ध्यान जरूर दीजिए, जो आप ज्यादा अच्छा कर सकते हैं बना सकते हैं उसको टच कीजिए, उसको स्टार्ट कीजिए। और किसी क्वेश्चन पर अगर फंस जा रहे हैं तो उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए, लास्ट में टाइम नहीं बचे बच्चों उसको आप छोड़ के आगे बढ़ें। एक ही क्वेश्चन को है ना पूरा टाइम दे दिया बाकी लास्ट में टाइम नहीं बचा, और कॉपी को ढंग से लिखे सजा के लिखे ना अच्छे से, जो आंसर आ जाए उसको बॉक्स के अंदर गिर दें। जैसे मैंने कहा कि मार्जिन छोड़ के लिखना है, सॉल्यूशन की में लिखना है, न्यूमेरिकल्स बनाते समय साफ सुथरा स्वच्छ एक एक लाइन छोड़ के लिखे, 25 पेज होते पेज की कमी नहीं होती है, एक एक लाइन आप है ना छोड़ दे वहां पे कंजूसी नहीं कर आपका पेज तो जा नहीं रहा, पेज खाली होगा बर्बादी होगा। आप साफ सुथरा स्वच्छ लिखे, और जो जिसका आंसर नहीं भी जानते हैं ना लास्ट में कुछ ना कुछ तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं, और सारे क्वेश्चंस का आंसर भी क्वेश्चन में ही होता है अगर आप ध्यान देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर भी क्वेश्चन में ही होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग खूब अच्छे से मेहनत से पढ़े, आपका भविष्य उज्ज्वल, आपको आपका जो है जो मकसद है एम है उसमें अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह ईश्वर है। भाई मैं ये लास्ट में कहना चाह रहा हूँ, देखो आप कितने बड़े पोस्ट पे जाने ना इखलाक अच्छा नहीं है तो बेकार हो जाता है। बीएमएसपी बन के भी लोग लाख जूता खाता है, आपको पता होना चाहिए बहुत सारे तो लोग है ना जूता पहना के रोड पर घुमाते जेल चला जाता है, इसलिए हम क्या करें इखलाक अच्छा। हम कुछ भी बोलें तो बोलने से पहले सोचें अगले को भी बात से तकलीफ तो नहीं होनी। कहा जाता है ना कि तलवार का जो घाव है ना वो भर जाता है, कि जबान का घाव जल्दी नहीं भरता। कि अच्छा इंसान बनिए, माँ बाप की खूब खिदमत कीजिए, इज्जत कीजिए, बड़ों का इज्जत छोटों का मोहब्बत शफकत, आपस में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं, आपस में बहुत भी हुआ होगा एक दूसरे से मन मोटाव हुआ होगा, सब एक दूसरे को है ना माफ करें, एक अच्छा इंसान बने है ना। जो देखिए अगर आप दुनिया में भी कामयाब चाहते हो तो थोड़ा दीन को लेकर चले, जो इंसान दीन को लेकर चलता है ना मैं शुरू से बहुत गारंटी के साथ कहता हूं कि है ना ठीक बहुत अच्छा मेहनत करें अच्छा डिग्री लें अच्छे पोस्ट पे जाएं, लेकिन असल कामयाबी जो है वो दीन में है। अगर आप 5-10 नमाज पढ़ रहे हो सही से सही तरीके से क्लास के साथ तो आप 100% गारंटी पत्थर पे लिख लीजिए कि आपको रोजी आसानी से मिलेगी, रोजी में सब कुछ आता है घर गाड़ी बंगला सब कुछ, उसको कंपलसरी समझिए वक्त मिले एग्जाम के बाद कम से कम 3 दिन लगा लिया ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात यहीं पे विराम देता हूँ, धन्यवाद।